तो गाइज नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर जो है कंटेंट रेटिंग से हम यहाँ पर आकर रुक गए थे, और इसके पहले आपको देखना था कि कहाँ तक हम आए हैं, तो आप पहला वाला वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंटेंट रेटिंग, हम यहाँ पर एक ऐप, हमारा जो गेम है वो प्ले स्टोर पर कैसे अपलोड करते हैं ये हम देख रहे हैं। तो वॉयलेंस ब्लड एंड इनकोरी इमेजेस है हमारे गेम में, है वॉयलेंस ब्लड। अगर आपका GTA गेम है और उसके अंदर आप शूट करते हैं तो अगर ब्लड वगैरह दिखता है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो क्लिक करना है। ओके मैं यहाँ पर नो करता हूँ। एंड उसके बाद में फियर, डज द गेम कंटेंट पिक्चर्स और साउंड्स टू बी स्केरी हॉरिफाइंग और डिस्टर्बिंग। ओके यूजर जनरेटेड कंटेंट के लिए नहीं है। आपके गेम में ऐसा कुछ है जो भाई बहुत ही ज़्यादा स्केरी है या फिर हॉरिफाइंग है देखने के लिए, यानी कि भूत गोस्ट का गेम है आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ अगर है तो आप येस कीजिए, नहीं तो आप नो पर क्लिक कीजिए। सेक्शुअलिटी, डज दिस गेम कंटेंट रेफरेंस टू इंटरफेरेंस टू सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल वॉयलेंस, सजेस्टिवनेस, ऐसा अगर न्यूडिटी वगैरह है आपके गेम में तो आप येस कीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। ओके तो गैम्बलिंग थीम्स है, अगर आपकी गेम है वो गैम्बलिंग कैसीनो में यूज़ होता है या फिर रियल कैश है, पैसा जो है गेमर्स को पैसा मिल रहा है उस चीज़ से, यानी कि ड्रीम इलेवन जैसे कुछ ऐप्स है उनसे आप पैसा निकाल भी सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप येस कीजिए, नहीं तो आप नो पर क्लिक कीजिए। ओके तो लैंग्वेज, डज दिस गेम कंटेन एनी पोटेंशियल ऑफेंसिव लैंग्वेज। ऑफेंसिव लैंग्वेज आपको पता ही है, एन वर्ड रहेगा या फिर एफ वर्ड रहेगा, ऐसा कुछ भी गालियाँ वगैरह दे रहे हैं आपके गेम में तो आप इसको येस पर क्लिक कीजिए या फिर नो पर क्लिक कीजिए। इसके हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस हैं, उसके हिसाब से ही वो आपकी ऐप की रेटिंग्स पता चलती है, आपकी रेटिंग जो है 18+ है या फिर 12+ है या फिर 15+ है या फिर 3+, ऐसा मतलब किड्स ऐप अगर वगैरह है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो कंट्रोलिंग सब्सटेंस, डज दिस गेम कंटेंस एनी रेफरेंस टू यूज ऑफ ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, मतलब आप कुछ बेच रहे हैं या फिर मेडिकल कोई तो ऐप है, आप वहाँ से डिलीवरी का बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, तो अगर आपको वो सब कुछ करना है तो आप यहाँ पर वो उस टाइप का अगर ऐप है तो वो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिए। क्रूड ह्यूमर, डज दिस गेम कंटेंट एनी बॉडीली फंक्शन सच एज बेंचिंग और वॉमिटिंग व्हेन यूज्ड इन ह्यूमरस प्रोसेसेस। तो अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह कुछ ऐसे दर्द वगैरह दुख के कुछ चीज़ें अगर दिखा रहे तो आप येस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो हमारा तो गेम है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। तो मिसलेनियस में इतने सारे फिर से क्वेश्चंस है। ओके तो डज दिस गेम नेटिवली अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट इन एक्सचेंज कंटेंट विथ अदर यूजर्स थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन टेक्स्ट। अगर आपकी गेम में वॉइस कम्युनिकेशन है, यानी कि आपको ये दूसरे प्लेयर के साथ बात करना है और यहाँ पर वॉइस कम्युनिकेशन या फिर टेक्स्ट या फिर इमेज या ऑडियो शेयर कर रहे हो तो आप येस पे क्लिक कीजिए। अगर मोस्टली ऑनलाइन गेम्स में होता है यस कीजिए या फिर नो पे क्लिक कीजिए। ओके हमारे गेम में ऐसा कुछ भी नहीं है। डज दिस गेम शेयर द यूजर करंट एंड प्रिसाइज फिजिकल लोकेशन। अगर आपको फिजिकल लोकेशन ले रहे हैं आप प्लेयर का, या फिर एक गेम, गेम नहीं आप बोल सकते पोकेमोन गो जैसी गेम है जहाँ पर प्लेयर को है वो लाइव लोकेशन भेजना पड़ता है या फिर स्विगी या जोमेटो जैसे ऐप से, तो उसके लिए ये वाला आप येस पे क्लिक कीजिए। अगर आप नहीं ले रहे लोकेशन तो नो पे क्लिक कीजिए। डज दिस गेम अलाउ यूजर्स टू परचेज डिजिटल गुड्स। तो आप कुछ खरीद सकते हैं बिटकॉइन या फिर जो कुछ भी है डिजिटल गुड्स, आपको अगर अमेजोन पे आप खरीद सकते हैं जाके, तो ऐसा वाला अगर आप कुछ ऐप है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप नो पे क्लिक कीजिए। डज दिस गेम कंटेन एनी स्वस्तिका और नाजी सिंबॉल। ओके तो ऐसा कुछ ऑफेंसिव सिंबल्स वगैरह है, नाजी का जो स्वस्तिक का ही हमारा सिंबल है वही नाजी इसका सिंबल है, तो ऐसा कुछ ऑफेंसिव इमेजेस या फिर सिंबल्स है आपके गेम में तो आप येस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। डज दिस गेम कंटेन एनी कंटेंट दैट सब्सटेंशियली रोड द नेशनल आइडेंटिटी और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डिस्क्राइबिंग एंटी नेशनल एक्ट्स और डिसऑर्डरिंग। ओके तो कोरिया के बारे में अगर आपने कुछ भी आपके गेम में, खुद के गेम में डाला है तो आपको येस पे क्लिक करना है। एंड वो भी अगर हर्ट कर रहा है हिस्टोरिक फैक्ट्स के लिए हर्ट हो रहा है उनका, तो आप येस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप नो पे क्लिक कीजिए सीधे। ओके तो ये सारे आंसर्स आपको देने हैं, यानी कि उसी तरह से फिर वहाँ पे वो कंट्रीज में वो नहीं दिखाएंगे, नहीं तो उस कंट्रीज में भी दिखाएंगे और वो लोग आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर येस कैसे किया। ये बहुत बात की बात है, लेकिन ये हमारे छोटे गेम, अगर एक गेम छोटी है तो इसका ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा। डज दिस गेम कंटेंट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्निक्स दैट कुड बी यूज फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस। ओके तो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए आप एक डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्निक्स वगैरह कुछ यूज कर रहे हैं या फिर क्रिमिनल्स इसको गलत तरीके से यूज कर सकते हैं।
डार्क वेब हो गया, ऐसा ऐसा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। तो उसके लिए अगर आप ऐप बना रहे हो या फिर गेम बना रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। डज दिस गेम एडवोकेट कमिटिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म? ओके, तो टेररिज्म तो आपको पता ही है, तो आप यस पे क्लिक कीजिए या तो नो पे क्लिक कीजिए, आपकी मर्जी है। ओके, तो ये सब हमने कर दिया है और मैं यहाँ पर कंप्लीटेड, ये भी कंप्लीट हो गया है एंड मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर उसके बाद में नेक्स्ट आता है, तो मैं नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वो है समरी। तो हमें यहाँ पर योर रेटिंग्स आता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए हमें जनरल रेटिंग मिला है और ब्राज़ील के लिए ऑल एजेस रेटिंग मिला है एंड नॉर्थ कोरिया के लिए एवरीवन के लिए मिला है, साउथ कोरिया के लिए ऑल एजेस के लिए भी मिला है, यूरोप पे भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, रशिया के लिए रेटेड फॉर +3, 3+ ब्लड वगैरह अगर रहता तो वहाँ पर जो है 12+ या 18+ ऐसा कुछ आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3+ मतलब एज जो है 3 साल के बच्चे भी खेल सकते हैं क्योंकि उसमें ब्लड नहीं है ना तो उसमें कुछ दूसरा चीज़ है, ऑल एजेस के लिए है। तो 3 साल के सारे, 3 साल के आगे सारे बच्चे खेल सकते हैं। ओके, नॉर्मली तो इतने सारे आपको रेटिंग्स मिले हैं, तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। ये सब रेटिंग्स डिपेंड करते हैं आपके क्वेश्चनरीज पे। ओके, तो अगर आपने गेम में आपने अपडेट दिए उसके बाद में आप स्टार्ट न्यू क्वेश्चनरी करके पूरा फिर से जो भी क्वेश्चंस है वो पूरा का पूरा फिर से रिपीट कर सकते हैं। एंड अगर आपको चेंज हुआ है, अभी भाई पहले मैंने GTA गेम बनाया उसमें मैंने खून वगैरह कुछ नहीं बनाया, बस बंदा गिरता है, लेकिन बाद में जो है मैंने वॉयलेंस डाला उसमें, शूटिंग एक्टिंग सब कुछ डाला उसमें, तो फिर से आपको न्यू क्वेश्चनरी पे क्लिक करना है और ये सब जो है, ये सारे रेटिंग्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी बनता है, IARC सर्टिफिकेट ID। तो प्रीवियस क्वेश्चनरी किसने दिया था इसका मेल आईडी भी आता है भाई, कि आप इसने इसने ये जो क्वेश्चंस है वो डाले हैं। अगर आपको फिर से इसे अपडेट नहीं करना है तो डायरेक्टली बैक पे कीजिए या फिर स्टार्ट न्यू क्वेश्चनरी पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कंटेंट रेटिंग तो आ गया। अभी टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस पे जाना है। तो यहाँ पर कौन से टारगेट्स को आप, कौन से ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, उनकी एज क्या है? तो 5 एंड अंडर जो है किड्स का एप्स वगैरह है, हम तो अभी गेम्स है तो 18 एंड ओवर ये सब हम क्लिक कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो गेम है वो नॉर्मल गेम है, एक बॉल गेम है और वो बॉल को बस यहाँ वहाँ आगे पीछे करना है। या फिर अगर GTA का गेम है तो आप ये वाले टारगेट्स तो लो ही मत गए, 18 एंड अबव 18 ही ले सकते हो एंड बाकी कुछ नहीं। लेकिन 16 हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं 16 के लिए पॉलिसी समरी रिक्वायरमेंट, अगर आप इनको ऑन कर रहे हैं तो ये सारा आपको पढ़ना ही पड़ेगा पॉलिसी समरी रिक्वायरमेंट। अगर नहीं कर रहे हैं, देखिए 12 के बाद में ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा अपडेट होता रहेगा एंड 18 एंड ओवर के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। कुड दिस स्टोर लिस्टिंग इंटेंशनली अपील टू चिल्ड्रंस? तो यहाँ पर भी आप बता सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो गेम है, ये सिर्फ चिल्ड्रंस को ही दिखाना है या सबको दिखाना है? नॉट डिजिग्नेटेड फॉर चिल्ड्रंस, तो स्टोर प्रेजेंस है तो यहाँ पर यस नॉट डिजिग्नेटेड फॉर चिल्ड्रंस लेबल में शो। कभी भी आप एक गूगल पे ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर पर आप, मैं बस दिखा देता हूँ, ये देखिए पबजी गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, एंड्रॉयड ऐप्स ऑन गूगल प्ले स्टोर, यहाँ पर कोई भी गेम अगर आप लेते हो। ओके, तो जैसे मैं गेंशिन इम्पैक्ट ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अपडेट्स यहाँ पर सारे आते हैं बाय क्लिकिंग इंस्टॉल, इन ऐप परचेस यहाँ पर है, दिस नॉट फॉर किड्स वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आते रहेंगे, तो ऐसे ही आते रहते हैं गाइस। ओके, किड्स के लिए जो है यहाँ पर इन्होंने अलग सेक्शन बना के रखा है, उसके अंदर ही किड्स खेल सकते हैं। टॉप ग्रोसिंग में हम जस्ट एक चेक करेंगे, कोई भी एक एस्पार्ट, एस्पार्ट भी ले सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए कंटेंट्स इन ऐप परचेसेस एवरीवन फॉर +10, यहाँ पर हमारा जो था वो +3 था। ओके, तो यहाँ पर +10 है। ओके, तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, दिस ऐप इज नॉट मे, यहाँ पर ये जो भी आप डाल रहे हो ना ये सब कुछ वहाँ पर आपको अपडेट करना पड़ता है। ओके, ये देखो जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो सब कुछ यहाँ पर देना पड़ता है। तो यहाँ पर इज नॉट डिजाइन फॉर चिल्ड्रंस, ओके, दिस ऐप इज नॉट डिजाइन फॉर चिल्ड्रंस एंड देन इफ गूगल डिसएग्रीज विथ योर आंसर यू वॉन्ट बी एबल टू अपडेट योर ऐप। ओके, तो अगर गूगल कुछ भी करके डिसएग्री करता है तो गूगल भाई यहाँ पे ऐप ही बंद कर देगा आपका खुद का। तो आपको जो भी है आपको यहाँ पर बताना ही पड़ेगा कि जो है गूगल बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है गूगल के, आपको सही सही से आंसर्स देने ही पड़ेंगे इनके। ओके, तो टारगेट एज द है ग्रुप इज 18 एंड अबव एंड स्टोर प्रेजेंस है, दिस कुड इन इंटेंशनली अपील अन इंटेंशन अपील टू चिल्ड्रंस नॉट
लेबल विल बी शोन। ओके, तो नॉट हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था ना कि चिल्ड्रंस को हमको नहीं करना है। और ये जो है ऐप डिटेल्स एंड एड्स, ये हमने अपडेट नहीं किया। ये क्यों? क्योंकि अगर मैं बैक जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने जो है टारगेट एज इतना रखा था, तो अगर मैं ये दो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, तो मैं जब भी नेक्स्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं डिक्लेयरिंग टारगेट ऑडियंस इंक्लूड चिल्ड्रंस अंडर 13। तो यहाँ पर अंडर 13 के लिए भी जो भी है एड्स जो है अलग शो होंगे एंड 14 के लिए अलग होंगे। ओके, तो अगर मैं यस करता हूँ, ये देखिए ये वाला नहीं आता है, लेकिन अगर मैं बैक करके ये 9 और 12 भी क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, मैं ओके करूँगा, फिर यहाँ पे ऐप डिटेल्स में पूछेंगे, डज दिस ऐप कलेक्ट एनी पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आई सर्टिफाई दैट दिस ऐप एपीआई एसडीके कंप्लाइज विद ऑल एप्लीकेबल लॉज। आपको ये करना ही पड़ेगा एंड आपको ये कोपा का एक्ट वगैरह है जो पढ़ना ही पड़ेगा एंड उसके बाद ही ये कीजिए। डज योर ऐप कलेक्ट एनी पर्सनल और इनसेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करूंगा। अगर आपका कुछ भी पर्सनल नाम या पता या फिर ईमेल आईडी जो भी ले रहे हैं तो आप येस पे कीजिए, नहीं तो आप नो पे कीजिए एंड नेक्स्ट। यू हैव डिक्लेयर्ड योर ऐप कंटेंस एड्स। ओके, तो एड्स है हमारे ऐप में, राइट? तो आर ऑल दी एड्स ऐप सुटेबल फॉर चिल्ड्रंस, तो ऐप्स जो है वो सुटेबल फॉर चिल्ड्रंस है या नहीं है, तो आई सर्टनली दैट ऐप डजंट इधर शो एड्स टू चिल्ड्रंस और इम्प्लीमेंट अ न्यूट्रल एज, या फिर येस, अगर एड्स है तो येस कीजिए। ओके, एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए एंड इंक्लूड माई ऐप इन द टीचर्स प्रोग्राम पॉलिसी। अगर आपको इनका एक कुछ प्रोग्राम है तो यहाँ पर आप लर्न अबाउट द प्रोग्राम, आप यहाँ पर जाकर लर्न कर सकते हैं प्रोग्राम। नो माई ऐप इन द डू नॉट इंक्लूड माई ऐप इन द टीचर्स अप्रूवल प्रोग्राम, तो टीचर्स के लिए टीचर्स कुछ ऐसे टीचर्स रहेंगे जो हमारे ऐप को अप्रूव करते हैं कि चिल्ड्रंस को ऐप जो है वो दिखाना चाहिए या नहीं। तो ये सब कुछ है, टारगेट है, टीचर है, समरी है, तो ये सब कुछ तो हमें नहीं चाहिए। ये सब मैंने आपको सेटिंग्स के लिए दिखाया था, लेकिन मैं ये सारा निकालता हूँ एंड 18 एंड ओवर ही करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर येस नॉट डेजिग्नेटेड फॉर चिल्ड्रंस, नो कर सकता हूँ अगर चिल्ड्रंस भी गेम को खेल सकते हैं तो। ओके, तो नेक्स्ट करूंगा, सेव करूंगा एंड देन फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 5 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं हमारे एंड जो है न्यूज ऐप, यहाँ पर न्यूज ऐप है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ न्यूज ऐप को। इज योर ऐप अ न्यूज ऐप, यानी कि आपका ऐप जो है वो कुछ न्यूज वगैरह देता है क्या? अभी रिसेंटली कोविड में एक ऐप आया था कि वो कोविड के सारे न्यूज वगैरह दे रहा था, लेकिन वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका न्यूज ऐप है तो आपको ये गूगल प्ले का न्यूज पॉलिसी है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और अगर नहीं दे रहा है तो नो पे क्लिक कीजिए एंड सेफ पे क्लिक कीजिए। मैं फिर से एक बार बैक जाऊंगा एंड यहां पर अभी और भी हमने 6 कंप्लीट किए हैं टोटल एंड नेक्स्ट जो है वो कोविड-19 एक्ट ट्रैकिंग एंड स्टेटस। ओके, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड इसके अंदर कोविड-19 कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग एंड स्टेटस ऐप, अगर आपके पास यहाँ पर हम पढ़ते हैं टू हेल्प अंडरस्टैंड वेदर कोविड-19 ट्रैकिंग और स्टेटस ऐप ऑल ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी अप्लाई, माई ऐप इज पब्लिकली अवेलेबल फॉर कोविड-19 कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग ऐप, माई ऐप इज पब्लिकली अवेलेबल फॉर कोविड-19 स्टेटस ऐप, माई ऐप इज नॉट अ पब्लिक अवेलेबिलिटी। ओके, ये वाला हमारा हमारा ऐप है वो कोविड-19 का स्टेटस ऐप है या फिर पब्लिकली अवेलेबल है या नहीं, वो हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दिस ऐप इज नॉट, अगर कोविड से रिलेटेड कुछ भी है आपका ऐप, न्यूज ऐप है या फिर यहाँ पे इतने कोविड पेशेंट्स है ये दिखाना चाहते हैं, फिर ग्लोब में कितने कोविड पेशेंट्स है वो दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। माई ऐप इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल कोविड-19 कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग एंड स्टेटस ऐप, तो मैं ये सिलेक्ट करके सेव कर देता हूँ एंड फिर से डैशबोर्ड में जाएंगे गाइस। ओके, तो यहाँ पर डेटा सेफ्टी, गवर्नमेंट ऐप्स एंड फाइनेंशियल फीचर्स एंड यहाँ पर ऐप कैटेगरी ये है, उसके बाद में रिलीज ऐप वगैरह आता है, लेट साइन वन, गूगल प्ले पर साइन इन करने के बाद कुछ लोगों को खेलने दे सकते हैं, फिर बिल्ड एंड एक्साइटमेंट, प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन के बाद में क्रिएट एंड पब्लिश एंड रिलीज, तो इतने सारे ऐप्स है जो आपको करने पड़ेंगे, हम तो स्टार्टिंग में ही है अभी तक। ओके, तो गाइज यहाँ पर मैं वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है पूरा आगे का जो प्रोसेस है, हमने अभी यहाँ पर 7 किए कंप्लीट, तो लास्ट के प्रोसेस में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।